ये राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु के हंसा अवतार है। जैसे रामचंद्र जी द्वापर में जन्म लिए मनुष्य तन में, मगर भगवान थे, मगर शरीर क्यों त्यागे? क्योंकि उन्होंने रावण की हत्या किया था, रावण पंडित था। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र सतयुग में अवतार लिए थे, भगवान विष्णु के हंसा अवतार है। सत्यम शिवम सुंदरम, माँ तारामती आदि शक्ति के अवतार है। ये चंद्रमती माता आदि माँ है। नीचे में यम धर्मराज है, जो कल्लू डोम है, जो यमराज के रूप में यहाँ चंडाल के यहाँ काम करता था। मगर राजा हरिश्चंद्र क्या बोले कि मैं सुबह उठकर सबको दान करता हूँ, हे सूर्यदेव मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं सबको दे सकूँ। प्रभु सूर्यदेव की इतनी महिमा थी कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। तो स्वर्ग लोक में एक दिन सभा बैठी और बोले कि ये भाई, ये कौन ऐसा भगवान है जिसका धरती पूजा हो रहा है? आने वाले समय में इंद्र का पूजा, विष्णु का पूजा कोई नहीं करेगा, ये राजा हरिश्चंद्र का ही लोग पूजा कर रहे हैं। सभा में विश्वामित्र आए और बोले कि मैं राजा हरिश्चंद्र का तप भंग करूँगा और उनका सब कुछ छीन लूँगा। समय पर राजा हरिश्चंद्र का राजपाट विश्वामित्र ने छीन लिया स्वप्न में। और सुबह उठते ही वो आके बोलते हैं कि प्रभु अब आपका अधिकार इस पे नहीं है, ये राजपाट मेरा हो गया, चल और अचल सब आपने मुझे दान कर दिया, तो ये जो आप वस्त्र पहने हैं ये भी मेरा है, ये जो रानी पहनी है ये भी मेरा है, सब मेरे को दे दीजिए और राज्य से जाइए, और जो आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए हैं वो दक्षिणा मुझे वापस चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को पूछा कि प्रभु विश्वामित्र मेरा सबको ले लिया, अब मैं उनको कैसे अपना कर दूंगा जो शरीर को अदा करके, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो वशिष्ठ मुनि जी बोलते हैं हरिचंद भगवान से कि एक काशी एक ऐसा जगह है जो आपके राज्य से बाहर है, जो तीनों लोक से नारी है। तो काशी में उसे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान नहीं थे, सतयुग में यहाँ कोई देवी देवता नहीं थे सिर्फ विश्वनाथ जी को छोड़ के। जब ये काशी आए तो चौक बाजार जो गोदलिया है, आप इधर आइए थोड़ा कैमरा लेके, यहाँ उसका सीन बना हुआ है। यह है विश्वनाथ मंदिर जहाँ आज गुम्बज है, कहा ज्ञान बापी मस्जिद। ये जो जगह दिख रहा है आपको रोड, ये चौक बाजार है जहाँ रोड गई है। ये जो जगह है ये दशाश्वमेध घाट का है। ये जो जगह है गौरी की दासवा हरिचंद धाम मुक्ति धाम है, जो गौरी की दासवा सामने है, और ये जगह हरिचंद का मंदिर है। ये जगह जो है 80 घाट है। ये जो जगह है वो हरिचंद का ड्यूटी स्थल है। इसी जगह माँ तारामती अपने बेटे को लेकर बैठी थी। ये जो जगह है 36 करोड़ देवी देवता यहीं उतरे थे। तो काशी में जब राजा हरिचंद आए तो वो चौक बाजार काशी विश्वनाथ मंदिर के लगे बिके। आज वहाँ दाल मंडी है, पुलिस स्टेशन है और मजार है। वहीं टिया भगवान का एक पेड़ था जहाँ वो बिके थे चौक बाजार पे, और वहीं बनारस का सबसे पुराना बाजार है। तो वही टिया भगवान बोले खरीदो मुझे, कोई खरीदो, है कोई खरीददार काशी में? तो इनको खरीदने के लिए स्वयं शंकर जी ने यमराज को हुक्म दिया कि जाओ डोम राजा बनकर तुम चंडाल बनकर राजा हरिचंद को खरीदो। वो राजा नहीं था, चंडाल था, जो बुजवा काम करने के लिए यहाँ यमराज को भेजा गया था। ये तारामती माता चौक बाजार पे बिकी और इनको खरीदने के लिए स्वयं शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप धर रहे हैं कि इस जगत माता कौन खरीदेगा, जलेंगे छुएंगे तो भस्म हो जाएंगे। इसे जगत माता को खरीदे और रोहित को भी ब्राह्मण देवता ने खरीदा। इनका काम था बर्तन मांजना, खाना बनाना और साग सफाई करना। रोहित का काम था फूल तोड़ना और माँ के पास और ब्राह्मणों के पास पहुँचाना पंडित जी के घर में। हम इधर देख रहे उधर नहीं देखेंगे। उसके बाद माँ तारामती सुंदर बगिया, आप देखे होंगे बेचू सुंदर बगिया सुंदरपुर में जहाँ रोहित को सांप काटा था, वहाँ से माँ अपने बेटे को लेकर जब मरघट आने लगी तो यहाँ पे जब आई है तो ये जगह था, ये एक जंगल था। उस समय सतयुग में यहाँ गंगा नहीं थी, ये सब पेड़ पालो था। आज भी देखिए यहाँ पेड़ पालो है जो पुराने ज़माने का है, ऊपर देखिए दिखेगा, वो आज का पेड़ नहीं सतयुग का है। ये सब जितना जगह था जंगल झाड़ी था और उसमें पेड़ फल फूल, ये इसका नाम था आनंदवन, इसलिए वाराणसी इसका नाम है। अवध गर्वी शिवाला वाराणसी, अवध के राजा हरिश्चंद्र यहाँ रहते थे। तो अवध गर्वी कहाँ है? सोनापुरा के आगे अवध गर्वी मोहल्ला है, वो मोहल्ला में राजा हरिश्चंद्र रहते थे।
आइए जंगल जाड़ी में जंगल माँ के लगे तारामती अपने बेटे को लेकर लकड़ी बीन रही थी बच्चे को जलाने के लिए। तो राजा अर्जुन देखे जंगल में कौन रो रही है ऐसी नारी जो बिलख रही है और रो रही है जंगल में ऐसी नारी कौन है जो रो रही है। तो यहाँ तो राजा अर्जुन जब जंगल में आए तो देख रहे एक नारी घूंघट आड़ के रो रही है और लकड़ी को बीन रही है। राजा अर्जुन देखिए क्या कर रहे हैं लाठी पीट के, ये लाठी है जरा लाठी पे दिखा लगाइए ये लाठी है। अब प्रभु के पैर देखिए किधर है, ठीक है प्रभु के पैर ऐसे है जैसे मैं खड़ा हूं ये देखिए ठीक। हाथ दिखाकर कहते तू मुझे कर दो और लाठी पीट के बोलते हैं तू मेरी पत्नी नहीं हो, मुंह फेर लिए। देखो ऐसे ही प्रभु खड़े हैं, यही दृश्य है, ऐसे मुड़ गए हैं। मैं तुम्हें नहीं चिंता हूँ, मुझे मर कर कर चाहिए, मेरे मालिक का टैक्स लग जाएगा। तो माँ अपने बच्चे को चरण पर रख दी है ऐसे कि तेरे मालिक का टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए माँ अपने चरणों पर बच्चे को रख दी है। यह है इतिहास। तब देख सब साड़ी फाड़ी है तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। उसी में राजा अर्जुन कहते हैं मुझे कर चाहिए, कर पहला क्या है मेरे मालिक का टैक्स अग्नि का, भूमि टैक्स, मंगलसूत्र मांगे। राजा हरिश्चंद्र कहे मुझे मंगलसूत्र दो, इसलिए मद्रासी में कहा गया है मंगलसूत्रम। इसलिए माता मंगलसूत्र देखो गले में है और मंगलसूत्र जब देने चली तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोलते हैं द्वापर त्रेता कलयुग तक जो भी हरिश्चंद्र के नाम स्मरण करेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु इसलिए प्रभु बोले कि तुम ऐसा परीक्षा किसी से लेना नहीं, भगवान विष्णु को वचनबद्ध किए कि हे प्रभु आप ऐसा परीक्षा किसी से लीजिएगा नहीं, नहीं कोई दे नहीं पाएगा तो भक्त और भगवान का अपमान होगा। इसी रानी तारामती कलुडोम को अपने साथ बैकुंठ लेके जा रही है, वो देखो वो कलुडोम है वो पुष्पा विमान से बैकुंठ लेके जा रही है, बेटा जिंदा हो गया, बेटा को कालिया नाग ने जिंदा कर दिया। बहुत अच्छी आपने बताया इस जगह के बारे में और इसी जगह से भगवान चले गए। चलिए बहुत आज कलयुग है, कलयुग बाद फिर भटजुग आएगा, भटजुग का मतलब भ्रष्ट का समय, और भटजुग शुरू हो चुका है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। 5000 हो गया और 2000 वर्ष पृथ्वी और चलेगा, 2000 वर्ष और पृथ्वी चलेगा। सन 2030 में पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, क्यों आपस में लड़ जाएंगे और होने वाला है भविष्यवाणी पूरा, क्योंकि मनुष्य नाटा भवना हो गया है, मनुष्य की आयु 80 साल हो गई है, 100 साल नहीं जाएगी। अब जैसे से कलयुग आएगा वैसे से भ्रष्ट का दिन नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।